पिता वैसे हमारे लिए गुरु है, गुरु पिता तुल्य होता है, तो किसको दुख नहीं होगा। इसी कारण से मैं वैसे हमारे लिए गुरु है, गुरु पिता तुल्य होता है, तो किसको दुख नहीं होगा। इसी कारण से मैं आगे आया भी नहीं और मैं आना भी नहीं चाहता। ये एजेंसियाँ लगी हुई है और ये दूध का दूध और पानी का पानी वो अवश्य होना है, और हम रोज अपने महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं और किसी न किसी रूप में वो सामने आएंगे, तो उसके बाद में उस विषय में कुछ कह सकूंगा। महाराज जी, नरेंद्र जी की आप जिम्मेदारी अब संभालने जा रहे हैं, उन्होंने मठ को बहुत आगे पहुंचाया, बहुत विकट परिस्थितियों में आपकी जिम्मेदारी, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं? योजनाएं तो मुझे पता है कि यहाँ गुरुदेव किस तरीके से चलाते थे या मठ किस तरह से चलता था, और यहाँ का जिस तरह से पहले चलता था, मैं कोशिश करूँगा, मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में किया हूँ उन्हें का अनुसरण करके मैं इसे आगे बढ़ाऊँ, और जिस तरीके से गुरुदेव आगे लेके गए, मेरा पूरा प्रयत्न ये रहेगा कि वो आगे बढ़ता रहे, साधु संतों की सेवा होती रहे, आगंतुक यहाँ से प्रेम से जाए, जो मठ की परंपराएं हैं और जो अखाड़े की परंपराएं हैं उसका मैं सही से निर्वहन कर सकूं, इसके लिए मैं पूरा प्रयत्नशील रहूँगा। और मैं अपने बड़े बुजुर्गों, बड़े सिद्ध संतों से हमेशा